अस्सलामुअलैकुम। अब इस वीडियो में हम देखेंगे ट्री स्ट्रक्चर्स इन सीएसपी। हमने पहले देखा था कि सीएसपी के अंदर हमारे कई सारे एल्गोरिदम्स आ सकते हैं। हमने बैक चेकिंग का देखा, हमने फिल्टरिंग के अंदर फॉरवर्ड चेकिंग देखी, देन हमने आर्क कंसिस्टेंसी को देखा। अब जो हम करने जा रहे हैं यह है ट्री स्ट्रक्चर्स इन सीएसपी। तो अगेन हम उसी प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे, मैप कलरिंग की प्रॉब्लम को। दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपको, हो सकता है आपको जैसे हम मैप यूज़ करते आ रहे हैं पीछे सिर्फ वही दिया गया हो और आपको कहा गया हो कि ट्री स्ट्रक्चर की अप्रोच यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन ढूंढें, इसमें कलर्स असाइन करने हैं अगेन वही कॉन्स्टेंट के बेस पर। या हो सकता है आपको ग्राफ बना कर दे दिया गया हो और आपको कहा जाए कि ट्री स्ट्रक्चर की अप्रोच यूज़ करते हुए इसका सोल्यूशन ढूंढें। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ऐसे दिया गया है तो आपको ऐसे ग्राफ बनाना होगा। तो ऐसे ग्राफ कैसे हमने बनाया है, डब्ल्यू ए के हमने देखने हैं नेबर कौन कौन से हैं, वो उसके साथ हमने अटैच कर दिए, लिंक कर दिए। फिर हमने देखना है एन टी जो है वो भी ऐसे का नेबर है, तो हमने एन टी को ऐसे का नेबर भी बना दिया, उसको भी लिंक कर दिया। फिर क्यू जो है किस किस के साथ लिंक है, एन टी से आगे क्या है लिंक क्यू, और एस ए के साथ भी क्यू लिंक है, देन एस ए के साथ एन एस डब्ल्यू भी लिंक है। हर पॉसिबल लिंक देख लेना है, जो जिसका नेबर बन सकता है वो बना लेना। अब इसमें एक और भी था, टी भी था, ये पहले भी एग्जांपल में है, मैं टी इग्नोर करते हैं क्योंकि इसका मेजर कोई काम नहीं है। ये हमारे इस ग्राफ के साथ मैप के साथ लिंक्ड ही नहीं है, तो जब हम इसका ग्राफ भी बनाएंगे तो ये सेपरेट ही बनेगा। इसमें कोई भी पॉसिबल कलर आ सकता है, इसका ये इस पूरे ट्री में किसी भी नोड के साथ डिपेंडेंट नहीं है, किसी भी नोड पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा ग्राफ। अब ग्राफ को हमने ट्री में कन्वर्ट करना है, तो ग्राफ को ट्री में कन्वर्ट करने के लिए ग्राफ में एक कंडीशन होती है कि अगर लूप कहीं आ रहा है तो वो लूप नहीं आना चाहिए, अगर लूप आ रहा है तो आप उसको रिमूव करोगे फिर आप उसको ट्री में लेकर आओगे। तो इफ़ कहीं पर लूप आ रहा होता है तो आप क्या करते हो कि आप देखते हो कौन सा ऐसा नोड है जिसके साथ सबसे ज़्यादा नोड्स लिंक कर रहे हैं। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा जो है ये एस ए का नोड जो है ये सबसे ज़्यादा लिंक कर रहा है नोड्स के साथ, ठीक है, हर नोड के साथ ये लिंक कर रहा है तकरीबन। हम क्या करेंगे, एस ए को एक इनिशियल वैल्यू ख़ुद से दे देंगे और बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी वो हम सारी इनमें चेक करेंगे। अब हम एस ए के लिए भी हमारे पास तीन ऑप्शन है, तो तीनों के डिफरेंट केसेस बनेंगे, केस वन, केस टू, केस थ्री, ठीक है। इसमें हम केस वन में क्या कहते हैं, एस ए को हम दे देते हैं रेड कलर, इस केस में क्या करेंगे एस ए को दे देंगे ग्रीन कलर, इस केस में दे देंगे ब्लू कलर। तीनों में हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन हमने तो हर केस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखना है सोल्यूशन। तो अब देखते हैं रेड के लिए, इफ़ हमने एस ए को रेड कलर दे दिया तो अब हमें कहीं आगे ट्री में ऐसे चाहिए ही नहीं। अगर हम एस ए को निकालें तो देखते हैं कि बाकी जो नोड्स बचते हैं क्या उनमें स्टिल लूप आ रहा है, नहीं आ रहा। एस ए को निकालेंगे तो ये लिंक ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और पीछे जो बचेगा वो बचेगा डब्ल्यू ए एन टी क्यू एन एस डब्ल्यू और वी, कहीं भी लूप नहीं आ रहा। लूप होता है ऐसे, अगर ट्राइंगल बन रहा हो तीन नोड्स का तो वो लूप होता है। अगर हम एस ए को ही रिमूव कर देंगे तो प्रीवियस जो बचेंगे बाकी सारे उनमें किसी में भी लूप नहीं आ रहा, वो एक सीक्वेंस में ही आ रहे हैं, और ये टी जो है ये तो वैसे ही सेपरेट है, ठीक है। तो हम अगर एस ए को हमने कह दिए पहले साइन कर दी वैल्यू, तो अब ट्री बनाते हुए आपने क्या करना है, डब्ल्यू ए है तो डब्ल्यू ए के साथ कौन कौन से नोड्स लिंक हैं, एन टी लिंक है, पहले एस ए भी लिंक था पर अब एस ए को हमने वैल्यू दे दिए। अच्छा, जो एस ए को वैल्यू देंगे ना वो बाकियों की डोमेन में से निकल जाएगी, बाकी सबकी डोमेन से निकल जाएगी सिवाय टी के, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट है, इसको कोई भी पॉसिबल दे सकते हैं आर जी बी में से। एन टी के बाद क्या लिंक है, क्यू, एरो में हमने ऐसे बना देना, मतलब डायरेक्टेड ग्राफ ट्री बना देना हमने, या डायरेक्टेड ग्राफ कह लो इसको। तो एन एस डब्ल्यू आ गया, देन एन एस डब्ल्यू के बाद क्या लिंक है, वी, ठीक है। अब हर एक का पॉसिबल कलर कौन सा है, रेड हो गया तो अब ग्रीन और ब्लू चाहिए, ग्रीन ब्लू इसमें आ सकता है, ग्रीन ब्लू इसमें आ सकता है, ग्रीन ब्लू इसमें आ सकता है, और ग्रीन ब्लू इसमें आ सकता है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर इन पर जाएंगे, या इनको भी बना ही लेते हैं पहले,
फिर सॉल्व कर लेंगे आगे। सेम ऐसे ही बनेंगे, जस्ट वो कलर डोमेन में डिफरेंस आएगा। अब इसको क्या दे रहे हैं हम, ग्रीन, तो ग्रीन जो बाकियों के डोमेन में से निकल जाएगा, रेड और ब्लू बच जाएगा। इसमें हम ब्लू दे रहे हैं तो रेड और ग्रीन बच जाएगा सबके लिए। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें से इसमें जो भी कलर करें हम, वो बाकी सारे उस पर डिपेंडेंट है। इसमें जो आएगा वो बाकी किसी में आ ही नहीं सकता, तो हम इस तरह से केसेस बना के उसमें से निकाल देते हैं वो कलर ही। अब हम सिर्फ इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, स्टेप वन पे आप करते हो जो बिल्कुल एंड वाला नोड है ना, आप उसको कलर को असाइन कर देते हो एक, ठीक है। फिर उससे जो देखो हमने क्या किया था, आर्क कंसिस्टेंसी को याद रखो। आर्क कंसिस्टेंसी में क्या था, जिसकी तरफ टेल है उसमें से डिलीट करते थे और हेड वाले को कलर असाइन किया हुआ होता था। इसमें भी यही करेंगे। फॉर एग्जांपल हम वी को कलर दे देते हैं ब्लू, ग्रीन निकाल दिया। अगर इसको ब्लू दे दिया है, इसकी तरफ हेड है, तो इसकी टेल किसकी तरफ है, NSW की तरफ। अब टेल में से ब्लू निकल जाएगा, इसको रह गया ग्रीन। अब हमने अगर ग्रीन को इसको NSW के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इसको ग्रीन इंप्लीमेंट कर दिया, तो अब इसकी ये अब हेड है, इसको हमने ग्रीन दिया है, तो इसकी टेल की तरफ क्या ऑप्शन है, ग्रीन और ब्लू। उसमें से अब इसको ग्रीन दे दिया, तो इसमें से ग्रीन निकल जाएगा, इसकी डोमेन में ब्लू रह जाएगा, ठीक है। अब इसको ब्लू अगर फिक्स कर दिया है, तो अब हेड इसकी तरफ है, साइन इसको किया है, टेल में से डिलीट करेंगे। टेल में से वो डिलीट करेंगे क्योंकि एंटी क्यू का नेबर है, तो हमें इसको अगर ब्लू दिया है तो इसको ब्लू नहीं दे सकते। अब इसके पास एक ही ऑप्शन बचा है, ग्रीन। अब इसको वो ग्रीन असाइन करेंगे, तो हेड इसकी तरफ है, टेल इसकी तरफ है, टेल में से वो डिलीट कर देंगे जो इसको असाइन किया है, क्योंकि ये इसका नेबर है। ग्रीन रिमूव हो गया। देखें तो जो रिजल्टेंट हमारे पास आया है वो बचा है ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम दोबारा से इसमें चेक रखें वैल्यूज़, बैक ट्रैकिंग एक बार कर लिया, अब फॉरवर्ड भी करके देखें। फॉरवर्ड जो है इस पे तीनों इम्प्लीमेंट होते हैं, जो फॉरवर्ड वाला था वो भी इम्प्लीमेंट होगा, जो बैक ट्रैकिंग हमने अभी इम्प्लीमेंट की, और आर्क कंसिस्टेंसी को यूज़ करते हुए बैक ट्रैकिंग की हमने, ठीक है। तीनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं इसमें। बैक ट्रैकिंग कर ली। कई सिनेरियो ऐसे होते हैं जिसमें स्टिल कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑप्शन रह रहे होते हैं, तो उसके बाद आप क्या करते हो, जब आप इनिशियल स्टेट तक आ गए, उसके बाद आप इनिशियल स्टेट से आगे चेक करना स्टार्ट करोगे। WA में ब्लू है, तो आगे चेक करोगे अगले में कौन सा कलर है, कहीं कॉन्स्टेंट जो है हमारा वायोलेट तो नहीं हो रहा, हो रहा है तो आप दोबारा से चेंजिंग करोगे कलर्स में, फिर आगे ऐसे इसमें भी करोगे, इसमें भी करोगे। बट इस एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं आगे। WA यही वाला बनाते हैं दोबारा, एंटी क्यू NSW वी ऐसे, और इन सब को लिंक कर देते हैं इसके साथ। टी इंडिपेंडेंट ही था, टी को क्या है RGB, कोई भी कलर दे सकते हैं। WA को हमने कौन सा दिया है, ब्लू, एंड टी को क्या दिया है, ग्रीन, इसको ब्लू, इसको ग्रीन, और इसको दिया है ब्लू, और SA को हमने दिया था रेड। अब आप खुद चेक कर लो, इसमें भी असाइन करके देख लो, किसी के नेबर में कोई सेम कलर नहीं आ रहा। सेम ऐसे इसके लिए करेंगे। आई होप आप खुद करके देख सकते हैं, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब इसमें क्या है, ग्रीन असाइन कर दिया, तो अब हमने सेम ऐसी बैक ट्रैकिंग करनी है। यहाँ से यहाँ कोई एक कलर दे के देख लेना, वो सिनेरियो आपने यूज़ करते जाना है, पीछे चेक करते जाना है। आर्क कंसिस्टेंसी वाला रूल इम्प्लीमेंट करना है इस पर, जो टेल है जो हेड की तरफ असाइन किया वो टेल में से डिलीट करते जाना है, जो हेड की तरफ फिर रह जाएगा एक रह गया तो फिर हमने वो रहने देना और टेल में से डिलीट कर देना वो वाला ऑप्शन। तो ऐसे करते करते आपके पास सारे वो ऑप्शंस आ जाएंगे जो वैलिड रहेंगे।
और कंस्ट्रेंट को वो वायलेट नहीं कर रहे होंगे, फाइनल ग्राफ आपके पास जो आ देगा उसमें कहीं पर भी वो कंस्ट्रेंट आपका वायलेट नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही इसका है। लेकिन हमने हर पेपर में आ जाए तो हर ऑप्शन हमने इसका वायलेट वो करके दिखाना होता है कि हर पॉसिबल ऑप्शन करके दिखाना होता है। तो ये था ट्री स्ट्रक्चर अप्रोच सी एस पी की। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।